सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लर्निंग। आज के इस वीडियो में जानने वाले प्रेगनेंसी में केसर के खाने के फायदे के बारे में डिस्कस करने वाले। केसर के खाने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले। कैसे उपयोग करना है इसको लेने के बाद, केसर को लेने के बाद आपको बेबी को पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या फायदे होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, केसर की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सो इससे पहले आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिले। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग जानने वाले हैं केसर की विशेषताओं के बारे में जानने वाले हैं। तो केसर की विशेषताओं, जैसे कि केसर में कई तरह के पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें कैल्शियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है और आयरन के साथ साथ सोडियम की मात्रा भी इसमें पाई जाती है। प्रोटीन भी पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है, साथ ही डाइट्री फाइबर्स भी इसमें पाया जाता है, कुछ फाइबर्स भी इसमें पाया जाता है। उसके साथ साथ मैग्नीशियम का भी कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इसमें कैल्शियम होता है, जिंक होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है, सोडियम, प्रोटीन और डाइट्री फाइबर्स के साथ मैग्नीशियम होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्रोत हो जाता है। ठीक है, बहुत ही बड़ा स्रोत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है 80% रेड स्टीमा पाया जाता है और 20% ऑरेंज स्टमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो 80% रेड स्टीमा पाया जाता है और 20% इसमें ऑरेंज स्टाइल मौजूद होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लेना है, तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो इसके जो फायदे हैं, जैसे कि ये केसर खाने सेवन जो करना है, आप कंटिन्यू अगर केसर लेते हैं, ठीक है, केसर का लेने से जो होता है सेरोटोनिन हार्मोन का जो होता है वो उत्पादन होता है। किसका, तो सेरोटोनिन हार्मोन का उत्पादन होता है, जो कि क्या करता है, जो कि आपको मूड को सुधार करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, मूड को सुधार करने में मदद करता है। ठीक है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन जो होता है कॉर्टिसोल को भी कम करने का काम करता है। कौन, तो स्ट्रेस हार्मोन, क्या नाम है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करने का काम करता है, जो कि आपको गर्भाशय के दौरान कब्ज की समस्या, फिर गैस की समस्या, सूजन या फिर कुछ आम जैसे शिकायतें जैसे हो जाती है उन कंडीशन, जैसे कि केसर जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है, ब्लड फ्लो रक्त प्रवाह को बढ़ाने का काम करता है, साथ ही और मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो इसके क्या क्या कैसे उपयोग करना है इसके बारे में जानते थे। इसके उपयोगों के बारे में, जैसे कि प्रेगनेंसी में जो इसका इस्तेमाल करना चाहिए, वो प्रेगनेंसी के तीसरे फिर पाँचवें महीने के अंदर इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो कैसे लेना है, तो केसर को लगभग 3 से 4 रेसे का जो इसका इस्तेमाल करना है, वो भी 1 गिलास दूध में आप इसे मिलाकर पीनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार के मेडिसिन या फिर मेडिकल से रिलेटेड टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे वीडियो का नोटिफिकेशन की जाए आपको मिल जाए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।